सागर के गोपालगंज थाना क्षेत्र के शुक्रवारी टोरी क्षेत्र में गुरुवार सुबह भाजपा के पूर्व पार्षद के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात सामने आते ही क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। पुलिस अधिकारी बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की गई। बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गया और जिसकी तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार नईम खान के बेटे इमरान खान उर्फ बादशाह खान उम्र 33 वर्ष गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे पैदल जा रहा था। इसी दौरान अज्ञात हमलावर ने इमरान को गोली मार दी। उधर गोली चलने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल इमरान को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर घटना की जानकारी के बाद अस्पताल में इमरान के परिचितों की भी भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि इमरान को काफी करीब से गोली मारी गई है। गोली बाएं पैर में कमर जांघ के बीच लगी है। मौके पर अधिक खून बह गया था। वारदात का कारण पुरानी रंजिश बताई जा रही है। इस संबंध में पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह कुशवाहा का कहना है कि इस घटना के संबंध में मामला दर्ज कर जाँच की जा रही है। शुक्रवारी क्षेत्र है, थाना गोपालगंज लगता है। यहाँ पर एक हत्या की घटना कारित होने की घटना पुलिस को पता चली थी। पुलिस तत्काल मौके पहुँची, प्रथम सूचना दर्ज की गई है। प्रथम सूचना दर्ज करने के उपरांत आरोपियों की तलाश पता चली की जा रही है। कितने आरोपी हैं इसमें? अभी ये विवेचना का विषय है। पहले ये प्रथम सूचना दर्ज की गई है और इस पर पुलिस जाँच कर रही है। जाँच के बाद सर विषय क्या है, किस मामले को रंजिशन है, क्या है? यही प्रारंभिक करती है, सामने आया है कि इनके बीच पूर्व का कोई विवाद होगा जिसको लेकर रंजित है और रंजित को लेकर ये घटना घटित हुई है। परंतु ये कहना भी जल्दबाजी हो जाएगी, इसकी पूरी जांच होगी तब क्लियर होगा कि ये घटना मतलब तात्कालिक है या पूर्व की वजह से किस आम से हुई। अभी प्रथम दृष्टया फायर आर्म से घटना कार्य होना पाया गया है। सर कोई पीली कोटी से भी जुड़ा हुआ मामला सामने आ रहा है? विवाद पुलिस के संज्ञान में मामला आया है, इसकी जांच की जा रही है। कैनन न्यूज के लिए सागर से धर्मेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।